नमस्कार दोस्तों, ममता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल AKH अमता में। आज मैं आपको एग मैगी बनाना सिखाऊंगी, पर उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अंडे लिए हैं दो, इसको फेंट लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और नमक डाल के भी इसे फेंट लेंगे। अब मैंने पैन चढ़ा दिया, इसमें तेल गर्म कर लिया है और अब इसमें हम फेटा हुआ अंडा डालेंगे और इसे लगातार चलाएंगे। अब इसे लगातार जो है चलाते रहेंगे और ये इसे जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें इसे मैं फोड़ लूँगी और इसे गुलाबी होने तक इसे मैं फ्राई करती रहूँगी, चला रही हूँ। और अब ये हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैंने तेल गर्म कर लिया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। और अब इसी में हम डालेंगे हरी मिर्च। मैंने 3 हरी मिर्च ली है, आप अपने स्वाद अनुसार लें। अब मैं इसमें टमाटर भी डाल दे रही हूँ, ऐसे चलाएंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के ताकि ये पक जाए अच्छे से, प्याज और टमाटर सब अच्छे से पक जाए, इसलिए नमक डाल दे रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और अंडे में भी डाला है तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसको चलाएंगे और अब इसे ढक देंगे, ढक कर धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। अब ये देखिए पक गया है। अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ, मैगी मसाला, और इसे फिर से चला के ऐसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब ये मसाला मेरा पक गया है और अब इसमें हम पानी डालेंगे मैंने एक बड़ी बाउल से पानी डाला है। आप अपने मैगी के हिसाब से पानी डालें। अब मैं तो इसमें 1 मैगी डाल रही हूँ। अब इसे मैं ढक के तेज आंच पे पकने दूंगी और अब इसे चलाएंगे। अब इसमें हम ये अंडा जो मैंने फ्राई करके रखा था इसे मैं डाल दूंगी और इसे इसमें डाल के थोड़ी देर चलाएंगे और थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। ताकि जो अंडे हैं उसमें भी इसका मसाला वगैरह जो है
वो एब्जॉर्ब कर ले। इसे मैंने बहुत सूखा नहीं बनाया है, मैंने इसे ठीक ठाक रखा है, न मैं बहुत ज़्यादा गीला ही बनाई हूँ ना ही तो बहुत ज़्यादा सूखा। आप चाहे तो ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, मैंने बीच का बनाया है। अब मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती डाली है। अब मैं इसे चला दे रही हूँ और अब ये पक गया, इसे मैंने निकाल लिया है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।